हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबिंग प्लेनेट। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इस गियर शिफ्ट क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस क्यूब को हम लोग 2x2 गियर क्यूब भी बोलते हैं। इस क्यूब की खास बात है कि ये जो क्यूब है ये हर तरफ से खुल जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्यूब के हम लोग दो साइड्स को पुल करते हैं यानी कि उनको खींचते हैं तो हमारा क्यूब जो है ये खुल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा क्यूब जो है ये ओपन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी दो साइड्स को पुल करते हैं इस तरह से तो देखिए हमारा क्यूब जो है ये खुल जाता है। ठीक है, देखिए ये क्यूब जो है हमारा हर तरफ से खुल रहा है। तो इसको स्क्रैम्बल करने के लिए भी हमें इस क्यूब को पहले ओपन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग इस क्यूब को स्क्रैम्बल कर पाते हैं। तो चलिए इस क्यूब को मैं पहले आपको स्क्रैम्बल करके दिखाता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्यूब को ओपन करेंगे। तो हमारे क्यूब जो है ये इस तरह से ओपन हो गया। अब इसको क्यूब को मैसअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पीसेज है इनको हम लोग मूव करेंगे। तो देखिए ये क्यूब जो है हमारा मैसअप हो रहा है यानी कि बिगड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने पीसेस को ऐसे मैसअप कर दिया। अब हम लोग इस साइड से भी पीसेस को मैसअप करेंगे। तो देखिए हम लोग हमारे यहाँ पर ये पीसेस जो है इस तरह से मैसअप हो रहे हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा और स्क्रैम्बल कर देते हैं। देखिए यहां पर ये क्यूब जो है हमारा इस तरह से मैसअप हो रहा है। तो अब हमारा क्यूब जो है ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुका है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक साइड बनानी है। तो किसी भी साइड को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर कोई एक ऐसा फेस ढूंढेंगे जिसमें चारों पीसेस में कोई एक कॉमन कलर हो। तो देखते हैं यहाँ पर कोई एक ऐसा फेस जिसमें चारों पीसेस में कोई एक कॉमन कलर हो। तो अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ये वाला जो फेस है यानी कि ये वाली जो साइड है इसमें इन चारों पीसेज में एक कॉमन कलर है जो कि है येलो कलर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन दोनों पीसेज में येलो कलर है और यहाँ पर इन दोनों पीसेज में भी येलो कलर है। तो यहाँ पर हमें बनानी है एक येलो साइड। तो येलो साइड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस क्यूब को ओपन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर इस क्यूब को ओपन किया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर दो येलो पीसेस को मैच करना है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर दो येलो पीसेस को मैच करेंगे जिससे यहाँ पर हमारी ये येलो साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इन पीसेस को रोटेट करेंगे। ठीक है, इन पीसेस को हम लोग तब तक रोटेट करेंगे जब तक हमारे यहाँ पर येलो पीसेस जो है आपस में मैच ना हो जाए। तो देखिए यहां पर हमारे दो येलो पीसेस जो है इस तरह से आपस में मैच हो गए। अब हमें इस साइड पर भी दो येलो पीसेस को मैच करना है, तो हम लोग इन पीसेस को रोटेट करेंगे। तो यहां पर देखिए हमारे ये दोनों येलो पीसेस जो है इस तरह से मैच हो गए। तो यहां पर देखिए हमारी ये एक कंप्लीट येलो साइड बन गई। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्यूब को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारी ये येलो साइड बन गई और उसके साथ साथ क्या हुआ कि यहां पर हमारी ये एक लेयर भी बन गई। ठीक है, तो हमारा ये वाला स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। तो एक कंप्लीट साइड बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें किसी भी साइड पर दो और कॉर्नर पीसेस को लगाना है जिससे क्या होगा कि हमारी वो साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहां पर हमारे दो पर्पल कलर के पीसेस लगे हुए हैं। अगर हम लोग यहां पर भी दो और पर्पल कलर के पीसेस को लगा दें तो यहां पर हमारी पर्पल साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोगों ने ये जो येलो साइड बना ली है इसको हम लोग रखेंगे अपने लेफ्ट साइड पर और ये जो पर्पल कलर के पीसेस वाली साइड है इसको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे। ठीक है, अब हमें यहां पर दो और पर्पल कलर के पीसेस को लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस क्यूब को ओपन करेंगे। ठीक है, हमने यहां पर इस क्यूब को ओपन कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर ये जो पीसेस है इनको तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक यहां पर हमारे पर्पल पीसेस आपस में मैच ना हो जाए। तो देखिए यहां पर हमारे पर्पल पीसेस जो है इस तरह से आपस में मैच हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्यूब को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहां पर हमारी पर्पल साइड कंप्लीट हो गई और यहां पर हमारी ये येलो साइड भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे लास्ट में बचे ये दोनों पीसेस। देखिए हमारे यहां पर पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है और लास्ट में हमारे सिर्फ ये दो पीसेस बचे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो इस स्टेप में हमें इन दोनों कॉर्नर पीसेस को इनकी पोजीशन पे लगाना है जिसके बाद क्या होगा कि हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों जो कॉर्नर पीसेस हैं, तो इसमें ये है स्मॉल साइज का कॉर्नर पीस और ये है बिग साइज का कॉर्नर पीस। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल साइज के कॉर्नर पीस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग बिग साइज के कॉर्नर पीस को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे ये दोनों जो कॉर्नर पीसेज है इनको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे। ठीक है, हमारे ये दोनों जो कॉर्नर पीसेज है इनको हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और इसके बाद हम लोग अपने इस क्यूब की फ्रंट साइड को ओपन करेंगे। देखिए यहां पर हमने अपने क्यूब की फ्रंट साइड को ओपन किया। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहां पर सबसे पहले ये स्मॉल साइज के कॉर्नर पीस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर ये दोनों जो पीसेज हैं तो इनमें हमारा ब्लू कलर है। तो हमें क्या करना है कि ये जो स्मॉल साइज का कॉर्नर पीस है तो इसमें ये जो ब्लू स्टिकर है इसको हमें यहां पर ऊपर टॉप पर लाना है। तो ये ब्लू स्टिकर है टॉप पर तब आएगा जब हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। देखिए जब हम लोग इस पीस को
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तब हमारा ये जो ब्लू स्टिकर है ये हमारा टॉप साइड पर आ गया। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि पीस हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा पीस है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा, उसके बाद क्या होगा फिर हमारे यहाँ पर ये ब्लू स्टिकर यहाँ टॉप साइड पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इस वाले पीस को तब तक मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब तक हमारा यहाँ पर ये वाला पीस जो है ये अपनी पोजीशन में वापस फिर से नहीं आ जाता। तो मैं क्या कह रहा हूँ ये अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वाले पीस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर ये वाला जो पीस है ये वापस फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर ये पर्पल है तो यहाँ पर भी ये पर्पल, तो ये पीस जो है अपनी पोजीशन पर आ गया। तो हम लोग इस फ्रंट साइड को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस क्यूब की राइट साइड को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने राइट साइड को ओपन किया, फिर हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये दोनों जो पीसेज हैं इनको हमें सेम कलर का बनाना है। देखिए यहाँ पर हमारे ये ब्लू कलर का स्टिकर है तो यहाँ पर भी हमें ये ब्लू कलर का पीस लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से यहाँ पर इस पीस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे, क्योंकि पिछली बार हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया था तो हम लोग इस बार भी इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे ये ब्लू से ब्लू जो है मैच हो गया। तो हम लोग अब अपने ये राइट साइड को भी क्लोज कर देंगे। अब फिर इसके बाद हमें यहाँ पर ये टॉप साइड को ओपन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये टॉप साइड को ओपन किया। अब हम लोग इस वाले पीस को तब तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे जब तक हमारे यहाँ पर सारे पीसेस सेम कलर के नहीं बन जाते। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सारे पीसेस जो है ये सेम कलर के आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पर टॉप साइड को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमने ये टॉप साइड को क्लोज कर दिया। अब लास्ट में हमारा बचा ये वाला पीस, ये बिग साइज का कॉर्नर पीस, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अपने फ्रंट में रखेंगे और फिर से हम लोग यहाँ पर ये अपने क्यूब की फ्रंट साइड को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये फ्रंट साइड को ओपन करते हैं, उसके बाद हम लोग राइट साइड को ओपन करते हैं और उसके बाद लास्ट में हम लोग टॉप साइड को ओपन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फ्रंट साइड को ओपन करेंगे। देखिए उससे पहले ये बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस पीस को अपने फ्रंट में ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपने फ्रंट साइड को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने अपने फ्रंट साइड को ओपन किया। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जो पीसेज हैं तो इनमें हमारा रेड कलर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा रेड कलर है। तो यहाँ पर ये वाला जो पीस है हमें क्या करना है, इसमें जो रेड कलर का स्टिकर है इसको हमें यहाँ पर टॉप लाना है। तो ये रेड कलर का स्टिकर टॉप पर तब आएगा जब इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए ये जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया तो ये हमारा टॉप पर आ गया। तो इस पीस को हम लोग तब तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे जब तक हमारा ये वाला पीस वापस अपनी पोजीशन पर नहीं मैच कर जाता। तो चलिए इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये पीस जो है ये अपनी पोजीशन पर वापस फिर से मैच हो गया। तो हम लोग इस बार ये फ्रंट साइड को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग अपने इस क्यूब के राइट साइड को ओपन करेंगे और हम लोग हमें क्या करना है, अब इन दोनों पीसेस को मैच करना है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर भी हमें रेड कलर का पीस लाना है। तो हम लोग फिर से इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे क्योंकि हमने इनको पिछली बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया था। तो चलिए इनको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे रेड से रेड कलर मैच हो गया। तो हम लोग अब इस साइड को राइट साइड को क्लोज कर देंगे। अब फिर लास्ट में हमें ये टॉप साइड को ओपन करना होता तो हमने यहाँ पर टॉप साइड को ओपन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पीसेस को हम लोग फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तब तक जब तक हमारे यहाँ पर ये पीसेस मैच नहीं हो जाते। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे पीसेस जो हैं ये मैच हो गए और हम यहाँ पर देखिए हमारी ये साइड भी पूरी सॉल्व हो गई। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया। तो अभी मैं आपको यहाँ पर चलिए कुछ और पीसेस भी दिखा देता हूँ तो इससे आपको सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएंगे। तो ये प्रीवियस केस जैसे ही हम लोग एक और केस यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे ये सारे पीसेस सॉल्व हो चुके हैं, बस लास्ट में हमें इन दोनों पीसेस को इनकी पोजीशन पे लगाना है। तो ये जो केस है बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पीसेस को अपने पहले फ्रंट पे रखेंगे और अपने इस क्यूब की फ्रंट साइड को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर फ्रंट साइड को ओपन किया। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये स्मॉल साइज के कॉर्नर पीस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो पीसेज है इनमें है हमारा रेड कलर। तो ये स्मॉल साइज का कॉर्नर पीस है तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो रेड कलर वाला स्टिकर है इसको हमें यहाँ पर टॉप पे लाना है। तो ये टॉप पर तब आएगा जब इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। देखिए जब हम लोग इस पीस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो देखिए ये हमारा रेड स्टिकर जो है टॉप पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इस रेड वाले स्टिकर हम लोग इस पीस को तब तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे जब तक हमारा यहाँ पर ये वाला पीस वापस अपनी पोजिशन पर फिर से नहीं लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर ये वाला पीस जो है ये वापस फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया। अब हम लोग ये फ्रंट साइड को क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने क्यूब के राइट साइड को ओपन करेंगे और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये दोनों जो पीसेज हैं हमें इनको मैच करना है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर ये रेड कलर है तो यहाँ पर भी हमें एक रेड कलर का पीस लगाना है। तो हमने क्या किया था, पिछली बार हमने
अपने पीस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया था, तो हम लोग यहाँ पर भी पीस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तब तक जब तक यहाँ पर हमारी रेड रेड जब तक यहाँ पर हमारे दो रेड पीसेस आपस में मैच नहीं हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पीसेस को मैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी दो रेड पीसेस ऐसे आपस में मैच हो गए, तो हम लोग ये राइट साइड को क्लोज कर देंगे। अब फिर हम लोग अपने इस क्यूब के टॉप साइड को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने अपने इस क्यूब के टॉप साइड को ओपन किया, फिर से हम लोग यहाँ पर ये वाला जो हमारा पीस है इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने पे देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर सारे पीसेस मैच हो गए। फिर हम लोग इस साइड को क्लोज कर देंगे। अब लास्ट में हमारा बचा ये वाला पीस, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये दोनों जो पीसेस है इसमें हमारा ये जो ऑरेंज कलर है ये यहाँ पर इन दोनों पीसेस में हमारा ऑरेंज कलर है। तो ये जो बिग साइज का हमारा कॉर्नर पीस है तो हमें क्या करना है कि इसमें जो ऑरेंज कलर का स्टिकर है इसको हमें टॉप पर लाना है। तो ये हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला जो पीसेस को हम लोग अपने फ्रंट में रखेंगे और ये इसकी जो फ्रंट साइड है इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ओपन किया फ्रंट साइड को, तो इसमें ये जो हमारा कॉर्नर पीस है तो इसमें जो ऑरेंज कलर है इसको हमें यहाँ पर टॉप साइड पे लाना है। हम लोग क्या करेंगे इसको जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे तो देखिए हमारे ये टॉप साइड पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस पीस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑरेंज कलर का स्टिकर जो है हमारा टॉप साइड पर आ गया। तो हम लोग इस वाले पीस को तब तक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे जब तक हमारे यहाँ पर ये वाला पीस वापस अपनी पोजिशन पर नहीं लग जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए ये वाला जो पीस हमारा वापस अपनी पोजिशन पर लग गया। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इस फ्रंट साइड को क्लोज कर देंगे, फिर हम लोग अपने राइट साइड को ओपन करेंगे। तो हमने जब राइट साइड को ओपन किया फिर देखिए हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पीसेस को सेम कलर का बनाना है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर ये ऑरेंज कलर है तो यहाँ पर भी हमें एक ऑरेंज कलर का पीस लगाना है। तो हम लोग इसको वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया, फिर हम लोग इसको राइट साइड को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग टॉप साइड को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये टॉप साइड को ओपन किया, फिर हम लोग इस पीस को फिर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करने पर हमारे सारे पीसेस जो है ये आपस में मैच हो गए और हम लोग क्या करेंगे फिर इसको टॉप साइड को क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग जब इस स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग फ्रंट साइड को ओपन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ये राइट साइड को ओपन करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग लास्ट में टॉप साइड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्यूब जो है फाइनली सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।